नमस्कार। हेल्दी राष्ट्र के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हालांकि आज जब मैं आपके स्क्रीन पे इस वक्त दस्तक दे रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि 155 साल की जर्नी को लेकर इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं। मसला लगातार आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और इस सीरीज में कई बड़े शख्सियत से जुड़ने का वक्त हो चला है। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव सर हैं, जो खासतौर पर सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उपनिदेशक हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करूंगा। थैंक यू। जिस तरीके से स्थिति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिख रही है, कहीं ना कहीं चर्चा होगा कि आखिर 155 साल बाद हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या जनता तक इसके संदेश नहीं पहुंचे, और अगर संदेश पहुंची तो आज क्या कुछ सब्जेक्ट सामने नजर आ रही है। लेकिन हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे बात करेंगे। इसके ठीक सामने सेहक का जो एक बड़ी उपलब्धि है, उस पर हमारी नज़र सबसे पहले जाएगी। एक बड़ी रणनीति रही आप लोगों की, कहीं ना कहीं सरकार को अपने संदेश देने की एक बड़ी कोशिश भी दिख रही थी, उसमें बड़ी उपलब्धि साफ तौर पे हाथ लगी। लेकिन इन तमाम पहलुओं का मैं जिक्र करूंगा तो दवा पे हम सबकी निगाहें खास तौर पे टिकेगी। आज दवा के साथ मैं चाहूंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और स्ट्रॉन्ग शेप देने के लिए किस तरह की संस्थान की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पे चाहूंगा कि अपने इंटरव्यू में जमकर बातचीत करूं। लेकिन सबसे पहला सवाल, अगर मैं आपकी अगर रिसर्च में जाऊं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखता है, और फैक्ट ये कि आपकी स्टडीज़ फैशन डिज़ाइनिंग में दिखती है, उसके बाद देखें तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दिखती है, और फिर मज़ेदार तब दिखता है जब आप MBA खुद HR से करते हैं। पूरी जर्नी पे मैं बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत क्या दिख रही है और आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है हमारे तमाम दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर इस नाम को लेकर भ्रांतियाँ जगह जगह पर फैल जाती है। कहीं पे हमें इसे इलेक्ट्रोपैथी भी बोल देते हैं, कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी बोल देते हैं। जैसे किसी का नाम, अगर सपोज करें मेरा ही नाम प्रभात कुमार श्रीवास्तव है, डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, अगर हम ये कहें कि कोई मुझे बोल दे, अगर मेरे नाम का मतलब नहीं समझ रहा है तो कोई कह देगा कि प्रभात, कोई कह देगा डॉक्टर कुमार, कोई डॉक्टर श्रीवास्तव, मतलब कि मेरे नाम का वो मतलब ही नहीं समझ रहा है। जैसी मर्जी आ रही है वैसे बोले जा रहा है वो, और स्थिति ऐसी आती है कि फिर हम उस कॉन्सेप्ट को, उस नाम के मतलब को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी तो अब बोलना ही गुनाह होगा, क्योंकि हमारे काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसका नाम दिया है। और किसी सब्जेक्ट का अगर हम नाम रखते हैं तो उस नाम का मतलब होता है, न्यूमन कल्चर का मतलब होता है। जैसे अभी कोरोना डिजीज की बात चल रही है, कोरोना नाम रखा गया, तो आखिर कोरोना नाम उसका क्यों रखा गया, क्योंकि उस वायरस का कैरेक्टर ऐसा है, देन उसका नाम कोरोना हमने रखा है या हमारे साइंटिस्टों ने नाम दिया है। वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द, हम अगर उसे हम ये कहें कि हम ये तीन शब्दों के मिलने से बना है, इलेक्ट्रो होम्यो एंड पैथी, देन इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, जैसे कि मैटी ने महसूस किया था, नहीं तो इससे पहले ऑलरेडी एक होम्योपैथिक साइंस आ चुकी थी, इलेक्ट्रोमोपैथी आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रो का जिक्र करते हैं और एनर्जी का आप जिक्र करते, हाँ जी, तो इससे अगर ह्यूमन को जोड़ा जाए, मानव संरचना को जोड़ा, हाँ हाँ, तो क्या कुछ समझा जाए सब? एक चीज ऐसा मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि एनर्जी, जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज हम देखें कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मेडिकल साइंस है वो सारी केमिस्ट्री बेस है, और एनर्जी, एनर्जी वर्ड जैसे ही हम बोलेंगे तो एनर्जी की पढ़ाई हमारी, अगर कुछ भी हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर जरा भी साइंस बेस होगा तो उन्हें ये पता होगा कि एनर्जी की पढ़ाई हम किस सब्जेक्ट में करते हैं। एनर्जी की पढ़ाई हमेशा केमिस्ट्री में होती है, सॉरी फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में नहीं। और जब हम फिजिक्स की जिक्र करेंगे देन एनर्जी को हम क्लियर करते हैं, और एनर्जी का डिफिनेशन हमारे डॉक्टर आइंस्टाइन ने दे चुका है, उन्होंने प्रूफ भी किया है इसे E=MC² ऑलरेडी। और जब इसको हम देखते हैं और एनर्जी को डेराइव करते हैं पूरी तरह से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इलेक्ट्रो में एनर्जी वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। ऐसे भी हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी इन आवर यूनिवर्स, एनर्जी ही पूरी है हमारे यूनिवर्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, और हमारी इलेक्ट्रोमोपैथिक जो साइंस है पूरी तरह बेस्ड है इलेक्ट्रोमोपैथिक एनर्जी पे। हालांकि जब 155 साल का जिक्र होगा तो मैटी साहब की तमाम जो स्टार्टअप कह ले या फिर शब्दों की जो एक हेरफेर है उसे तो हम समझ लिए, लेकिन प्रभात सर एक सवाल उठेगा, जिस तरीके की आज के माहौल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन परोसी जा रही है, और अगर मैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र का जिक्र करूँ, ओवरऑल देखा जाए तो 42-43 ईयर्स की जर्नी आपकी हो गई है,
और इन तमाम जर्नी के बीच 20 साल का सफर आपने कंप्लीटली तय किया है। सो क्या कुछ अचीवमेंट इस वक्त दिख रही है तब जब सिन्हा इलेक्ट्रोहोमियो अनुसंधान केंद्र का हम जिक्र करेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि हमारा 20 साल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में समय देना, तो ऐसा अगर हम ये कहें कि हमारा लाइफ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से शुरू हुआ है, देन उसे हम 20 साल में बांध नहीं सकते हैं कभी भी, क्योंकि जिसका बर्थ ही उस खेमे में हो जाए। जैसे कि अभिमन्यु को अगर ये कहा जाए कि आपने कहाँ से सीखा था चक्रव्यूह तोड़ना, तो उसे किसी गुरु ने नहीं सिखाया था, वो ऑलरेडी बाई बर्थ जो चीज़ मिल जाती है हमें, उसका तोड़ कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रोमोपैथी की स्टडी अगर हम ये कहें कि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, तो ये कोई गलत बातें नहीं है, ये सही होगी। और सेहक, जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात रही, तो सेहक से हमारा रिलेशन भी बचपन से ही है। इसके एक 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 से एक हमने रिसर्च देखे हैं कि कैसे कैसे रिसर्च हुए इसमें। गैंग्रेनल फोर्ट उपलब्धि है, और गैंग्रेनल फोर्ट हमारी सेहक की उपलब्धि नहीं है, पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स की उपलब्धि है, क्योंकि सिंगल एक ऐसी ये रिसर्च हुई जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान हमारे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में बनाने में सहयोग दे रही है। इवन यहाँ तक इंडिया से लेके और यूएस, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल है टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, वहाँ तक इसकी पहुँच हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहाँ और किस लेवल पर काम कर रही है। यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि जिस तरीके से सिन्हा इलेक्ट्रोहोमियो अनुसंधान केंद्र ने एक कह सकते हैं कि मिशन लेके जिस तरीके से चले हैं, पूरी टीम की एक डेडिकेशन साफ तौर पे हमने तब देखा जब फरवरी में जिक्र हुआ। मुझे लगता है कि एक साल का सफ़र हमने तय कर लिया है, और इस एक साल के सफ़र को जब हम सरकार के नज़रिया से देखते हैं, तो क्या कुछ इस वक्त की चुनौतियाँ दिख रही है तब जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारे सामने हो, और सरकार को क्या कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत इस वक्त 2020 में दिख रही है? देखिए, जहाँ तक रही इसकी गवर्नमेंट जर्नी की बात, तो गवर्नमेंट जर्नी जब भी इलेक्ट्रोमोपैथी की हुई है, शुरू से देखा गया है, हम कभी भी इसकी पैरवी करके या कुछ करके हम नहीं कर सकते हैं। हमारे सेहक ने भी जर्नी की है अपनी इलेक्ट्रोमोपैथी की, और गवर्नमेंट के बीच में भी रखा है अपने रिसर्च को और सब चीज़ों को। तो जब हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार चौबे जी थे, उस समय से लेकर मौका लगा कि सेहक अपनी अचीवमेंट को गवर्नमेंट लेवल पर दिखा सके। उनके घरों में हुए बहुत सारे केस, उनके जानकार में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर कि सेहक ने अपना अचीवमेंट दिखाया। अभी रिसेंटली जहां तक आपने फरवरी का जो जिक्र किया है, मैं उस फरवरी को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि 13 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उसमें हमारे माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भी थे, हेल्थ मिनिस्टर, आयुष मिनिस्टर श्रीपद नाइक जी भी थे, और देन उनके जितने भी अधिकारी वर्ग हैं वो सारे लोग मौजूद थे उसमें, करीब 20 से 25 की संख्या में आईएएस, क्योंकि अधिकारी जितने भी होते हैं हमारे मंत्रालय में सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी थे जो ऑलरेडी एक डॉक्टर थे, और उन लोगों के बीच में मौका लगा सेहक को कि अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रेजेंटेशन दिया जाए, इंटरव्यू नहीं। क्योंकि एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब भी हम किसी के सामने जाते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक्सपर्ट बन कर जाते हैं, और एक्सपर्ट कभी भी इंटरव्यू नहीं देता है किसी चीज़ का। अभी रिसेंटली जैसे आईडीसी में भी मीटिंग चल रही है, अब आईडीसी में हम जाएं और कहें कि हम साइंटिस्टों के बीच में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये बातें गलत होंगी फिर। क्योंकि हमारी जो अभी कहने के लिए तो बोल देते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में 5 लाख चिकित्सक हैं, तो 5 लाख चिकित्सक अगर 10 लोगों को 20 लोगों को अगर भेज रहा है कि आप जाओ आईडीसी के सामने, इसके मतलब कि 5 लाख लोग उसको रिप्रेजेंट करके भेज रहे हैं, और ये सारे एक्सपर्ट हैं हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी के, और वहां जाकर हम ये कहें कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके मतलब कि हमने 5 लाख चिकित्सकों को इंटरव्यू के पैनल में खड़ा कर दिया है। अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं देन हमें एक्सपर्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। इसी एक्सपर्ट के नाते सेहक ने एज ए डिप्टी डायरेक्टर के नाते मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला उस मीटिंग में 13 फरवरी को, और वहाँ जाकर अपनी प्रेजेंटेशन दी गई, और वो प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी हुई, 40 मिनट की प्रेजेंटेशन हुई थी, प्लस 10 मिनट का उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था अपना हमारे हेल्थ मिनिस्टर पे ही, श्रीपद नाइक जी पे, और उस डेमोन्स्ट्रेशन ने तो पूरी रुख ही चेंज कर दी थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। और 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में हमारे जितने भी अधिकारी वहाँ थे, बहुत सारे तो नॉन थे, सिंगल उसमें नॉन एक ही थे जो अश्विनी चौबे जी, बाकी सारे अननोन फिगर थे हमारे लिए,
लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्वालिटी और वो कॉन्फिडेंस ये दिखाया कि चाहे हम किसी भी पैनल पे खड़े हों, हमारे अंदर थोड़ी भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसके सामने हम खड़े हैं। और उस इंटरव्यू को, सॉरी, उस प्रेजेंटेशन वाली जो मीटिंग थी उसमें फेस किया गया, और फेस करने के बाद सारे अधिकारियों के मुख से एक चीज़ तो जरूर निकला कि पूरे दिन का ये जो प्रेजेंटेशन हुआ एक यूनिक प्रेजेंटेशन है और आज एक इतिहास रची गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और उस दिन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया कि आज एक सेहक के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो आया है यहाँ और उसने हमें इम्प्रेस किया है अपने साइंटिफिक व्यू को देते हुए प्लस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाते हुए। और उसके बाद उन्होंने एक परमिशन लेटर हमें ग्रांट किया कि आप पूरे इंडिया में एज ए पैटर्न के रोल में रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए सिर्फ मुझे ही बोला गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन के लिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने हमें सबको दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली हमारे रिसर्च सेंटर को एज ए पैटर्न का रोल अदा करते हुए और कहा कि आप आगे भी नए नए शोध अपने जारी रखें और उन सारे एक्टिविटी से कि आप कैसे क्या क्या कर रहे हैं उससे हमें भी अवगत कराते रहें कि सरकार को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस पायदान पर खड़ी है। ये तो हालांकि 2020 तक की चीज़ें दिख रही है, लेकिन डॉक्टर प्रभात सर, एक यहाँ सवाल उठेगा कि जब आप उप निदेशक के हैसियत से चेयर पे बैठते हैं, आपके सामने गवर्नमेंट दिखती है, आपके सामने तमाम लोग दिखते हैं और इसी के ठीक सामने इस वक्त की मौजूदा तमाम पद्धति दिखती है जिससे कि डॉक्टर और मरीजों के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश की जा रही है। हर्षवर्धन जी हमारे सामने हैं, आई एम डैम श्योर कि डेफिनेटली वो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। क्या कुछ संदेश आपको इस वक्त देने की ज़रूरत दिख रही है तब जब एक बड़ी पहचान की ज़रूरत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, एक ऐसी मासेस की ज़रूरत है जो इस सिस्टम को बहुत आगे ले जाए तब जब गवर्नमेंट ऑलरेडी एक परमिशन लेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रस्पेक्टिव में आपको हैंड ओवर कर दी है? देखिए, मैं गवर्नमेंट से एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि अभी रिकॉग्निशन के मैटर भी चल रहे हैं, इसी के लिए गवर्नमेंट ने आईडीसी कमेटी बनाई है। आईडीसी कमेटी में एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आईडीसी कमेटी बनी है, हमारे सारे एक्सपर्ट हैं, सारे सीनियर हैं उसमें, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक्सपर्ट एक भी नहीं है उसमें। अब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, और वहाँ अगर कोई नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक्सपर्ट तो वो हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर उस आईडीसी की कमेटी में अगर 1, 2, 4 जो भी उन्हें लगे वो स्क्रीनिंग कर लें पहले कि हमारी कमेटी के लायक कौन सा बंदा है, कौन सा डॉक्टर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो हमारी इस कमेटी में रह भी सकता है, जो उसका जनरल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उनके साइंटिस्ट किस पैनल पर काम कर रहे हैं, हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो सबसे पहले तो अपने एक न्यूट्रल साइंटिस्ट को बैठाएं, उनकी एक लॉबी बनाएं और न्यूट्रल साइंटिस्ट को बैठा के और ये देखें कि हम किस साइंस को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। अगर ये साइंस रियली में एनर्जी बेस है तो क्या हमारी जितनी भी साइंटिस्टों की कमेटी वहाँ बैठी है, टीम बैठी है, क्या उस एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझ पा रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं समझेगी, लेकिन क्या उनका ये सब्जेक्ट रहा है? अगर नहीं रहा है, अगर वो सपोज करे कि वो केमिस्ट्री बेस के साइंटिस्ट हैं तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अगर एलोपैथिक डॉक्टर है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एलोपैथिकली समझने की कोशिश करेंगे, होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिकली समझेंगे और आयुर्वेद है तो आयुर्वेदिकली समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कर रहा हूँ और मैं इसे समझाऊंगा भी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिकली समझाऊंगा। तो इसे समझने के लिए जो हमारे एक न्यूट्रल साइंटिस्ट होते हैं जो बिल्कुल बायस्ड फ्री हों, किसी भी पैथी सिस्टम से उन्हें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, एक मेडिकल साइंस को समझें, एक ह्यूमन बींग्स को समझें, ह्यूमन लाइफ को समझें, देन उस हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे और वैसी अगर टीम वहाँ पे क्रिएट हो जाए तो हमें समझाने में ज़्यादा सुविधा होगी। हालांकि यहाँ तो एक कह सकते हैं कि एक बड़ी स्टेप और बड़ी पहल की यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि अगर ऐसे हो जाते हैं वहाँ पे तो डिस्कशन में एक इजी वे होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की और स्टेप की अगर बात की जाए 2-3 पहलू पे जिसे देखकर खासतौर पे इस वक्त बड़ी जल्द कदम बढ़ाने की जरूरत दिख रही, तो क्या 2-3 बड़े स्टेप हो सकते हैं? कुछ नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अचीवमेंट गवर्नमेंट के सामने है, गवर्नमेंट बहुत ही करीब से देख रही है इसे। जब सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को उसने ये कह दिया कि आप जाओ रिसर्च वर्क में
और जितने भी अचीवमेंट हो रहे हैं आप हमें भी अवगत कराते रहें इससे। तो जब कोई भी अभी हमारे सिन्हा इलेक्ट्रोम अनुसंधान केंद्र कुछ हम अपने हॉस्पिटल्स भी ओपन कर चुकी है एज लाइक के जैसे इंदौर में अभी 100 बेड के कैंसर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने दिल्ली में भी इनोग्रेट किया कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर के लिए। बहुत सारे सेंटर अभी बॉम्बे में भी रन कर रहे हैं। हमारे पास नहीं भी तो करीब 70 रिक्वेस्ट लेटर आ चुके हैं, लोग ओपन करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं भी ओपन हो तो देन वो ट्रेनिंग के बाद ही हो वो पूरी तरह से, क्योंकि हमें सारे रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं कि हम कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ हो जाए, लेकिन हमारी भरपूर ये कोशिश होनी चाहिए कि हमसे गलती ना हो और 100% हम अपना दे सके। एब्सोल्युटली। हालांकि मैं ये तमाम सवाल जो है अभी गवर्नमेंट के प्रस्पेक्टिव में ले रहा था, लेकिन अब ये सवाल समझना जरूरी हो चला है कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत क्यों है। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो उठेगा कि जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जिक्र करेंगे तो दवा की क्या कुछ खासियत है, और जब दवा की खासियत का मैं जिक्र करूँगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त कई चीज़ें ट्रेंड कर रही है आपके तरफ से, और उसमें कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन का जिक्र अक्सर होता है, और डेमोन्स्ट्रेशन तब जब गैंग्रीन ऑल फोर्ट आपके पास हो। दवा की खासियत को लेकर क्या कुछ हमारे तमाम दर्शकों से संदेश होगा जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक बड़ी पहचान को एस्टैब्लिश की जा सके। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। दवा को लेकर अक्सर मेरे पास फोन आते रहते हैं चिकित्सकों के। हमारी सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्यो अनुसंधान केंद्र जो है वो मेडिसिन सेलिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ से मैं रियलिटी केवल क्लियर करता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन होती क्या है। हमारे पास जब भी फोन आते हैं कि सर किस लैब की मेडिसिन यूज की जाए, हमेशा जब भी बिल्कुल इनोसेंटली जवाब दिया जाता है उन्हें कि आप जहाँ की भी मेडिसिन आपको लगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियल मेडिसिन है आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे ही हमने जैसे शुरू में भी बताया कि इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, तो हम जो टेस्ट करते हैं जिस डेमोन्स्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं उसी डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाया जाता है, और वो डेमोन्स्ट्रेशन कोई मेरा अपना पर्टिकुलर इजाद किया हुआ नहीं है। ये ऑलरेडी US की एक टेक्निक है जिसे मैनुअली टेस्टिंग की जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए जैसे आपने जिक्र किया था कि 155 साल हो चुके हैं, अगर इसकी पूरी जर्नी देखी जाए तो उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत जो हुई है पैरासेल्सस से ही हुई है, और पैरासेल्सस ने ही कह दिया था कि उस प्लांट्स में एक ओल्ड फोर्स होती है। ओल्ड फोर्स कहना, बायो एनर्जी कहना, देन एनर्जी कहना, ये सारे टर्म्स हुए हैं। टाइम टू टाइम जैसे जैसे साइंस डेवलप किया है हमें वर्ड मिलते गए हैं कि हम उसको डिफाइन कर सके। अब एनर्जी की जैसे ही हम बात करते हैं, देन हमें पूरी एनर्जी को अगर क्लियर करें तो मैटी ने वो कॉन्सेप्ट अपना दिया था कि अगर एनर्जी है तो फिर दो तरह की एनर्जियाँ होती है, एक काइनेटिक एंड दूसरी पोटेंशियल। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन भी दो फॉर्म में होती है, एक काइनेटिक जिसको कि लिक्विड मेडिसिन दिया था मैटी ने, और दूसरी पोटेंशियल जिसको कि ग्लोबुलर फॉर्म में दिया था। पोटेंशियल को हिंदी में हम संग्रहित ऊर्जा कहते हैं, जिसमें कि जिसे स्टोर्ड एनर्जी भी कहें, उसमें एनर्जी को स्टोर की गई है। और लिक्विड मेडिसिन को सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 6 लिक्विड मेडिसिन है। जैसे अभी कहीं कहीं देखने में आता है कि हम पूरी मेडिसिन को ही लिक्विड फॉर्म में ले लिए हैं, इसके मतलब कि मैटी ने जो काम किया था 6 लिक्विड बनाए थे, देन 32 मेडिसिन को ग्लोबुलर फॉर्म में बनाया था, इसके मतलब कि उनके पास 6 के बाद उनके पास डिस्टिल वाटर की कमी हो गई थी, देन उन्होंने 32 बना दिया था। अगर 32 मेडिसिन को वैसे लेते हैं कि 32 ग्लोबल्स है तो उसके बाद ग्लोबल्स की कमी हो गई थी उसके बाद वाटर में बना दिया था, जी नहीं, वो पूरी तरह से उनका जो साइंस था जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, उस एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर करने के लिए देखा कि ये दोनों तरह की एनर्जी जो होती है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, हमें दोनों फॉर्म में मेडिसिन को देनी होगी, इसलिए उन्होंने 32 को ग्लोबल फॉर्म में बनाया, ग्लोबुलर फॉर्म में, और 6 मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में बनाया जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी होती है। जो हम टेस्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, वो काइनेटिक एनर्जी की टेस्टिंग होती है कि देखो ये काइनेटिक एनर्जी काम कैसे करती है। काइनेटिक मतलब कि गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्विक एक्शन, जो गैंग्रीन ऑल फोर्ट की आज आप सोशल मीडिया में या बहुत जगह पे इसके रिजल्ट देख रहे हैं कि मरीज आते हैं दर्द से तड़पते हुए और 10 से 15 मिनट में कहते हैं कि मैं तो पानी नहीं पी रहा था, बिल्कुल मतलब थूक तक नहीं निकल रहा था, और अभी क्या हुआ कि 15-20 मिनट में एक गिलास पानी भी पी रहा है, वो कुछ खा भी रहा है, कुछ पी भी रहा है।
तो ये केवल गैंग्रेनल फोर्ड से ही मतलब नहीं है, ये रिजल्ट हमारे ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो सबकी ऐसे ही मिलती है। इंस्टेंट रिजल्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं देन वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, चाहे काम कुछ भी करे। हम केवल रिजल्ट ओरिएंटेड लेकर, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने सपोज करें, कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी एक एस्कोरफ्लोसा नंबर 1 एक मेडिसिन है, उसमें नक्स प्लांट्स भी यूज़ किए गए हैं। अगर मैं किसी को नक्स दूँ तो S1 से कुछ मिलता जुलता भी रिजल्ट मिल जाएगा उससे भी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे एस्कोरफ्लोसा नंबर 1 कह दें। एस्कोरफ्लोसा नंबर 1 का मतलब ही है कि रिजल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, एस्कोरफ्लोसा नंबर 1 की तरह इंस्टेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर इंस्टेंट नहीं मिल रहा है उसके बाद चाहे कितना हूँ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि जब हमारे पास साइंटिस्ट बैठेंगे तो वो पूछेंगे कि S1 काम करती है तो कैसे कर रही है, क्या कर रही है और क्यों कर रही है। क्वेश्चन क्योंकि तीन ही होता है, व्हाट व्हाई एंड हाउ। अगर हम तीनों को क्लियर करते चलें अपने साइंस में तो फिर हमें नहीं लगता है कि सामने किसी भी तरह के क्वेश्चन हमारे सामने रेज होंगे। और इलेक्ट्रोमोपैथिक में तो क्वेश्चन रेज होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथिक के एक्सपर्ट तो हम हैं। सामने वाले को हमें समझाना है सिर्फ कि इलेक्ट्रोमोपैथी होती क्या है, आप इसे समझें। और मेडिसिन अपने सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की एक मिशन है कि रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से लोगों को अवगत कराना, बेचना नहीं कि मैं बनाऊं और मैं बेचूं चारों तरफ मेडिसिन, ऐसा नहीं। हमारा ये उद्देश्य है कि पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जितनी हमारी सोसाइटी है वो रियल मेडिसिन से अवगत हो जाए, और उसके बाद इसके रिजल्ट केवल सेहक नहीं लेगा, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र नहीं लेगा, उसके बाद पूरी इंडिया इलेक्ट्रोमोपैथिक में यही रिजल्ट लेगी जो आज सेहक ले रही है हर जगह पे। डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे उठेगा, सवाल ये कि जिस तरीके से हमने मेडिसिन की आइडेंटिटी को तो ले लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कई दर्शक होंगे जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर जब मेडिसिन इतनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है तो फिर उसके ठीक सामने जो बड़ी बीमारी है, हालांकि कैंसर जो शब्द है सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, लेकिन इसके ठीक आसपास अगर देखी जाए क्या कुछ वो बड़ी बीमारी है जो आपके एजेंडा में इस वक्त है, और वही एजेंडा जो तमाम दर्शक हैं, जो तमाम लोग हैं, उन तक पहुंचाने की आपकी पहल। बिल्कुल, एक्चुअली सेहत कभी केवल कैंसर पर ही काम नहीं कर रहा है। कैंसर तो एक टारगेट किया गया है कि कैंसर पर हम काम करें। जैसे सपोज करें कि कोई MBBS करके MS करता है, तो MS करने का मतलब, जैसे हमारे यहाँ BA डॉक्टर है RK ग्रोवर जी, डायरेक्टर हैं DSCI के, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के, वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इसके मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कैंसर पे ही काम कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत आगे तक जा रही है। और हमारी सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने तो अभी तक पूरी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा अपने केसेस देखे हैं तो वो पैरालिसिस पर देखे हैं, और पैरालिसिस 90 ईयर्स ओल्ड पैरालिसिस, अगर कह दिया जाए कि 2 घंटे में मरीज उठ के खड़ा हुआ है और अपने दैनिक क्रिया में लग गया है, दिनचर्या में, तो ये गलत नहीं होगा। कि ये एक नहीं, अगर मैंने ये जैसे ही आपसे बोला कि सेहक ने अपने पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा पैरालिसिस देखा है तो इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है फिर। और कैंसर तो अनगिनत, एक दो एग्जाम्पल नहीं है। लोग कहते हैं ना कि सर कोई क्यूरेशन का हो तो डेटा दिखाएं, डेटा तो अब कलेक्शन होने लगे हैं, पहले डेटा नहीं होते थे, पहले जुनून होता था काम करने का, पहले ये होता था कि हम मरीज को कितना ठीक कर रहे हैं, लोग कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब तो डेटा की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि गवर्नमेंट भी कहती है कि सर अगर आप कर रहे हो तो आप दिखाओ, आपके पास कुछ एविडेंस होनी चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट की भी नज़र हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद अपनी नज़रों से देखा कि नहीं काम तो हो रहा है। सरकार भी देख रही है कि काम सेहत कर रहा है, लेकिन अगर सरकार को उस प्लेटफॉर्म पे, उस टेबल पे रखना हो तो उसे भी एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो हमें सजेस्ट कर रही है, हमें फोर्स नहीं कर रही है, या हम पे ऐसा आपसे कह रहा है कि आप कोई पेपर अपना दिखाएं, आइडेंटिटी दिखाएं। इसके मतलब ये नहीं कि आप पे कोई शक कर रहा है, शक तो कहीं हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रोमोपैथी पे, क्योंकि हर जगह से हमें सपोर्ट मिल रहे हैं, सरकार हर तरफ से हमें सपोर्ट कर रही है, इवन प्रधानमंत्री जी तक के भी हमारे पास पत्र है जो कि एक सपोर्टिव लेटर है हमारे लिए, जिन्होंने इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए अच्छा सपोर्ट किया। और हेल्थ मिनिस्टर की तो बात ही अलग है, हमारे अश्विनी चौबे जी अब भी कहा जाए कि हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जितना करीब से देखा है इसमें हमारी सरकार का तो बिल्कुल दोष ही नहीं है। अगर अभी तक अगर कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं या सरकार हमें नहीं कर रही है जो भी कहते रहे हैं, तो इसमें सरकार का बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। जैसे ही थोड़ी सी झलक अभी दी गई है एक हेल्थ मिनिस्टर को,
एक सिंगल डिजीज को लेके, कैंसर को लेके, तो सरकार ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अगर हम पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जितने भी हमारी सोसाइटी है इंडिया की, अगर वो एक एक डिजीज पे काम करनी शुरू कर दे, कोई पैरालिसिस ले ले, कोई जॉइंट्स पेन ले ले, अदर डिजीज ले ले, सब अगर काम करना शुरू कर दे, तो गवर्नमेंट इतनी प्लीज्ड होगी कि नहीं, एक ही डिजीज पे काम नहीं हो रहा है। अब कभी भी बात होती है तो हमारे जैसे माननीय मंत्री जी हैं, फोन करेंगे, प्रभात जी कैंसर के पेशेंट हैं यहाँ पे, अगर कैंसर उनके जेहन में आया, देन सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र सबसे पहला नाम उनके लिस्ट में होता है। उनके पास जब मरीज आते हैं पैरवी के लिए उनके क्षेत्र से और कहते हैं कि हमें एम्स में भेज दिया जाए और थोड़ी पैरवी कर दी जाए, तो कहते हैं कि पैरवी की क्या जरूरत है, और कैंसर जब हुआ है तो इलेक्ट्रोमोपैथी में दिखाओ। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ कैंसर देखा है, इसलिए वो कैंसर पे बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता कि हम सारे डिजीज पे दिखाते उन्हें, हम सब बहुत सारे चिकित्सक होते इसमें, और सब दिखाते कि देखो कैंसर ही नहीं, अब पैरालिसिस पे वैसे ही काम हो रहा है, जॉइंट्स पेन पे, हार्ट डिजीज पे, किडनी ट्रबल पे, सारे केसेस पर काम हम कर रहे हैं, तो वो कहते कि जब उनके पास और भी मरीज आते कि सर हमारे मरीज को डायलिसिस पे भेजना है, किडनी ट्रबल है, तो कहते कि कहाँ जा रहे हो, फलाने इलेक्ट्रो होम्योपैथ के पास चले जाओ। तो ये इलेक्ट्रोमोपैथी की वो भी एक अचीवमेंट अलग होती। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमोपैथ्स हैं पूरे इंडिया में, सबसे एक चीज़ का तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सब अब रियल की तरफ भागना शुरू कर दें। बहुत दिन हम भागे और बहुत दिन शुरुआत अच्छी रही है इलेक्ट्रोमोपैथी की, लेकिन बीच की जो कड़ियाँ होती है, कहा जाता है ना कि किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को अगर जानना है तो उसके हम रियल जो शास्त्र होते हैं उसके स्टडी कर लें, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमें मुस्लिम कौम को जाननी हो तो कुरान शरीफ की स्टडी कर लें, उनके अनुयायियों को हम ना देखें। अगर हमें इलेक्ट्रोमोपैथी को जाननी है तो काउंट सीजर मैटी की स्टडी कर लें, हम नीचे की स्टडी ना करें कि कौन क्या कह रहे हैं। अगर आपकी बातें काउंट सीजर मैटी से मिलती जुलती है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही हैं। अगर नहीं मिलती है तो आप चाहे कितना हूँ अच्छे स्पीच दे दो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में दे दो, कितनी भी अच्छी आप इंग्लिश बोल लो, उर्दू बोल लो, फारसी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कहते हैं हमेशा कि व्हाट ए पेशेंट नीड्स नाइदर साइंस नॉर योर फिलोसफी, व्हाट ए रेमेडीज विच क्योर। उसे सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन की जरूरत होती है कि वो रोता हुआ आ रहा है, आप हंसते हुए भेज दे, जैसा कि अक्सर गैंग्रेनोल फोल्ड कर रहा है। मैं गैंग्रेनोल फोल्ड बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काम हो रहा है गैंग्रेनोल फोल्ड पे, और भी मेडिसिन है अपने साथ जो इलेक्ट्रोमोपैथी की होती है, सारी मेडिसिन। एक सवाल यहाँ उठेगा कि मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं और खास तौर पे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके जहन में अब सवाल होगा कि जिस तरीके से मेडिसिन को हमने डिस्क्राइब किया, आज वो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफर तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर वो आगे की रणनीति अगर अपनी बनानी चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सेहत से पूरी सपोर्ट ली जाए, अगर मैं इसको कहूं कि आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, और इसके साथ ही उन प्रैक्टिशनर के लिए क्या संदेश होगा। मैं दो सवाल जरूर ले रहा हूं, लेकिन चाहूंगा कि उनको इस सवाल में साफ तौर पे संदेश और आपकी अगले कुछ सालों की रणनीति, इस पे बातचीत हो। देखिए, सबसे पहली तो हमारी रणनीति ये हो रही है, रणनीति को हम मैं प्लानिंग भी कहें अपनी, स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते हैं अपनी, क्योंकि स्ट्रेटजी हमेशा इंटरनल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन प्लानिंग को डिस्कस हमेशा हम करते हैं। प्लानिंग हमारी ये है कि जो इलेक्ट्रोमोपैथी की रियलिटी है, गवर्नमेंट को उससे अवगत करा दी जाए। अगर इलेक्ट्रोमोपैथी में सपोज करें कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, मैं उसे डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो हम उसे नहीं कुछ कहेंगे, हम गवर्नमेंट को उसकी रियलिटी बताएंगे जहाँ पर कि रियल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं और हर बातों को, इलेक्ट्रोमोपैथी की रियलिटी को साइंटिफिकली उनके सामने रख देंगे। अब गवर्नमेंट इंक्वायरी कर ले पूरे इंडिया लेवल पे कि कहाँ क्या हो रहा है, रियल कहाँ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। कहीं पे इसे केमिस्ट्री बेस्ड मेडिसिन हम प्रूफ करते हैं, कहीं पे इसको एंजाइम थ्योरी को लेके हम चले आते हैं। अब उनसे ये पूछ ली जाए कि एंजाइम की पढ़ाई किस सब्जेक्ट में होती है, ज़रा हमें ये भी बता दें, क्योंकि एंजाइम की पढ़ाई ही केमिस्ट्री में होती है। अगर केमिस्ट्री में होती है तो इसके मतलब कि हम इलेक्ट्रोमोपैथिक मेडिसिन की केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं तो हमारे काउंट सीजर मैटी ने जो कहा था कि हमारी वर्ल्ड की किसी भी लेबोरेटरी में हमारी मेडिसिन को डाल दो, इसमें से कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते हो। अगर उनकी मेडिसिन को ट्रेस नहीं कर सकते हैं और आज आपकी मेडिसिन अगर ट्रेस आउट हो जा रही है लेबोरेटरी में, तो काउंट सीजर मैटी की साइंस फेलियर हो जाएगी। इसके मतलब हमने कोई एक नया साइंस ईजाद कर दिया है। आप रिजल्ट ले रहे हैं नो डाउट, लेकिन आप ये ना कहें कि मैं इलेक्ट्रोमोपैथी से रिजल्ट ले रहा हूँ।
अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से रिजल्ट ले रहे हैं तो हमें बोल्डली ये प्रूफ करने होंगे कि ये जो रिजल्ट है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिकली है, दूसरी कोई नहीं है साइंस की। यहाँ पे एक सवाल और मैं ले लेता हूँ क्योंकि दर्शकों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये कि जब हम जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, तो आज कहीं ना कहीं संदेश ये भी है कि टर्म में लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए सवाल का जवाब आप जरूर दें। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेल्टी की साइंस है, इलेक्ट्रोपैथी ये एक अलग साइंस है जिसका रिकॉग्निशन कहें या कहें कि प्रचलित ऑलरेडी यूएस में है। इसकी पूरी लिटरेचर अलग है, उसकी कॉन्सेप्ट अलग है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पूरी अलग है, जैसा कि आप भी कहे कि 155 साल की ये साइंस है, इसके फाउंडर काउंट सीजर मैटी हैं, नाम भी अलग है, काम भी अलग है दोनों के। अब हम इसको इलेक्ट्रोपैथी, मेरे सामने भी बहुत बार ऐसे ऑफर आए हैं, जिस समय जिस 13 फरवरी की मीटिंग के मैं जिक्र कर रहा था, उस मीटिंग में भी हमारे पास ऐसे ऑफर आए, हमारे मंत्रालय से भी कई एक बार ऐसे ऑफर आए कि डॉक्टर साहब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम होम्यो हटा दो इससे, अगर आप होम्यो हटा दे रहे हैं तो हम लोग को काम करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अगर हमें ये कोई कह दे कि डॉक्टर प्रभात आपका नाम डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, आप श्रीवास्तव हटा दें, तो हमें आपको बुलाने में थोड़ी सुविधा होती है। तो हम यही कहेंगे कि इसके मतलब हमें आपके चलते हमने अपने अस्तित्व को खो दिया है, हम एक लालची बन गए थोड़े से लालच में आके, और हमने उस काउंट सीजर मैटी के सोल को, उनकी आत्मा को हमने दुखाया और कहा कि आपने जो नाम दिया था हमने उसको चेंज कर दिया। जब फाउंडर ने कोई नाम दिया है, जब वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल नाम है, इलेक्ट्रो होम्यो एंड पैथी तीन वर्ड हैं, उसमें से हमें एक वर्ड निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हमारे सामने भी हमारे आयुष मिनिस्टर का भी ऑफर आया कि डॉक्टर प्रभात जी आप इसमें होम्यो शब्द अगर निकाल देते हैं तो इसको और सुविधा हो जाती हम लोग को काम करने में। तो हमने उनसे एक ही चीज़ कहा था कि सर आपका नाम श्रीपद नाइक जी है, मैं आपको सिर्फ श्री नाइक अगर कह के बुला दूं तो क्या ये चलेगा? हमें जवाब देने के लिए थोड़ी हिम्मत की तो ज़रूरत होगी, हम ये ना सोचे कि हम किसके सामने रिप्लाई कर रहे हैं। हमारे अंदर उदंडता नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ मैनर हमें नहीं जाना है, बट रियलिटी के पास तो हमें रहना ही है। रियल चीज़ को बोलने में अगर हमें ये लग रहा है कि सामने वाले अगर उनकी बेइज्जती हो रही है, तो हम उसके बाद उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे बिल्कुल विनम्र भाव से कि हमें अगर आपको तकलीफ लगी होगी मेरे बातों से तो माफ़ करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। बहुत बार ऑफर आया, कोई कह रहा है कि डॉक्टर साहब इसको आप इलेक्ट्रो आयुर्वेदिक कर दें, क्योंकि गैंग्रेनल फोर्ट एक ऐसी रिसर्च है जिससे कि पूरा मंत्रालय इम्प्रेस हो चुका है। अभी मंत्रालय में केवल अश्विनी चौबे जी तक नहीं, हमारे श्रीपद नाइक जी तक, इवन हर्षवर्धन जी तक भी ये मैसेज जा चुका है कि कैंसर में एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंशन हो चुकी है जो कि पूरा वर्ल्ड जहां फेलियोर है, जिस पेन पे 2 लाख से भी ज़्यादा पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर रन करते हैं सिर्फ इसी के लिए, और वहां पर भी हम मॉर्फिन एंड पैथाडिन देते हैं लास्ट स्टेज में, और पेशेंट तड़पता है जब, तो कह दिया जाता है कि अब घर ले जाओ और सेवा करो इसकी। उस स्टेज में अगर किसी साइंस ने, एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा, मॉडर्न साइंस के अलावा, किसी साइंस ने हिम्मत की है उस पे काम करने की, तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने किया है, और उसमें भी पहल सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्यो अनुसंधान केंद्र ने किया, जो कहा कि नहीं आप जिस जगह पे फेलियर हो रहे हैं, जिस पेन पे, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और एक नहीं, हजारों ऐसे केसेस हुए, और रिजल्ट की जहाँ तक बात रही तो रिजल्ट 99% नहीं, क्योंकि 99% जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो वहाँ तो हर केसेस पर आदमी 60-70-80% काम कर ले, यहाँ 100% की बात चल रही है, क्योंकि साइंस हमेशा एक्यूरेसी देखेगा। अगर 2+2=4 देन हम वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 1 की बनाए या पीजी की मैथमेटिक्स बनाए, जहाँ भी 2+2 आएगा वहाँ हम 4 ही लिखेंगे। कंडीशन के अनुसार हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड 1 की मैथमेटिक्स है तो 2+2=3 लिख देते हैं, और वो पीजी की मैथमेटिक्स थी इसलिए हम 2+2=5 लिखते हैं, जी नहीं, ये एक फॉर्मुलेशन होती है, एक एक्यूरेसी होती है साइंस की, और वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रूफ करती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी तरह से एक साइंस है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर गैंग्रेनल फोर्ट 100% रिजल्ट देती है तो क्या इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड की ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि किसी भी मेडिसिन ने 100% अपना रिजल्ट का कोई डेटा दिया हो किसी भी मेडिकल साइंस के लिए। इलेक्ट्रोमोपैथिक वो देती है, और उसमें भी गैंग्रेनल फोर्ट एक अलग अचीवमेंट है उसकी पूरी तरह से।
और यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ पर्सनल सवाल जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति की जरूरत है जिससे कि दर्शकों में और तमाम मरीजों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक अलग विश्वास स्थापित की जाए। जरा सी देर में वापस आते हैं। मैं डॉक्टर झारडिया, देवेलिया कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर, आपकी पूरी हेल्दी राष्ट्र टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हूँ कि आपने हेल्दी राष्ट्र नाम से इतना सुंदर चैनल स्टार्ट किया है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये चैनल दिनों दिन उन्नति तरक्की करे। बहुत बहुत बधाई स्वास्थ्य के इस नए चैनल के लिए। आप सभी को ज़रूरत थी एक ऐसे चैनल की जो स्वास्थ्य संबंधी विषय को आगे बढ़ाए और इलेक्ट्रोनोपैथी भी उसमें शामिल है। मेडिकल के सभी, मेडिकल और हेल्थ से संबंधित सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं, इसलिए आपका जो ये प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है। चूँकि हम लोग